Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine. Students, it's our 8th, 5th standard. Our subject is EBS and our today's chapter is A Sea Tells a Farmer's Story. हाँ तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने EBS की बुक से, यूनिट 2 से. तो हमारे जो चैप्टर का नाम है ये क्या है, A Sea Tells a Farmer's Story. यानी एक बीज है, बाजरा का एक बीज है जो क्या करता है, किसान की स्टोरी बता रहा है हमें. वो इसमें बता रहा है, क्या बता रहा है, ये हमें कह रहा है, ए सीड टेल्स ए फार्मर स्टोरी इज एन इम्पॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड हाउ आवर फार्मर्स वर्क टू प्रोवाइड अस विद वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड क्रॉप्स. इट विल एक्सप्लेन हाउ दैट फूड is brought on our table. In other words, this chapter will show you the technique that the farmer adopt to get good produce. Moreover, it will also explain the long processing that goes into the food that we intake on daily basis. Okay? It will help students become more considerate of the farmer and learner the value of food. Thus, a seed tells a farmer's story will be very useful in studying about this. हाँ तो बच्चों, ये जो चैप्टर है a seed tells a farmer's story, इस चैप्टर में ये हमें बताया गया है कि एक फार्मर जो है, एक किसान जो है, वो कितनी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद वो क्या करता है, सबसे पहले ज़मीन को तैयार करता है, ज़मीन से झाड़ियाँ वगैरह अलग करता है, उसको प्लो यानी हल जोतता है, उस पर कितनी मेहनत करता है, फिर उसमें बीज डालता है, बड़ी मेहनत मुशक्कत करने के बाद वहाँ पे वो प्रोड्यूस करता है, क्या वेजिटेबल्स करता है हमारे लिए प्रोड्यूस, फ्रूट्स करता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप हमारे लिए प्रोड्यूस करता है. तब जाके क्या होता है, ये क्रॉप हमारे टेबल पे पहुँचती है, हमारे घर तक पहुँचती है, तब जाके हमारे घर में खाने बनते हैं, हमारे घर में मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स तैयार होती हैं, हमारे घर में मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स आते हैं. किसकी मेहनत के ज़रिए, एक फार्मर की मेहनत के ज़रिए ये सब चीज़ें हम तक पहुँचती हैं. तो इसी चैप्टर में ये बताया गया है कि कितनी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है एक फार्मर को ये चीज़ें हम तक पहुँचाने के लिए, एग्रीकल्चर में उसको कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है. तो एक स्मॉल सीड एक है, बाजरा का छोटा सा एक सीड है, वो क्या है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है, मैं कहाँ से कहाँ तक गया, कहाँ पहुँचा, कैसे मैं फार्मर के पास आया, इसने मुझे पहले फिर कैसे स्टोर करके रखा, कितने साल मुझे स्टोर करके रखा, फिर इसने क्या किया, मुझे अपनी ज़मीन पे बोया, फिर मुझसे वो उसका मेरी वो एक कंपनी उसमें से निकली, एक पौधा निकला छोटा सा, वो बड़ा हुआ, उसमें फिर टाइम के साथ साथ वो ग्रोथ करता गया, फिर उसमें जो है फ्रूट लगा उसमें. तो पूरी एक ब्रीफली ये स्टोरी बता रहा है. जैसे ये सीड खुद कह रहा है, आई एम ए स्मॉल बाजरा सीड. आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940. आई वांट टू टेल यू माय स्टोरी. दिस इज ए लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन. This is also the story of my farmer Damji Bhai and his family. If I do not tell my story now, I might to be late. I was born in Vingam in Gujarat. That year there was a good bajra crop. There was a festive mood in the village. Our area was famous for its grain and vegetables. Each year, Damji Bhai kept aside some seeds from a good crop. This was our Bajra family went on from one generation to another. Good seeds were stored in dried ground which was coated with mud. But that year, Damji Bhai himself made a strong wooden box to store us. He put in neem leaves to protect us from insects. He put different seeds in different compartments of the box. That was our beautiful home. ये क्या कह रहा है, ये बाजरा का सीड कह रहा है कि मैं एक छोटा सा बीज हूँ, तो मैं इस जो वुडन का ये छोटा सा खूबसूरत सा बक्स है, इसमें बंद हूँ सिंस कब से,
सिंस 1940 से, यानी 1940 से मैं कहाँ पे बंद हूँ। ये जो वुडन बॉक्स बनाया है, ये जो मेरा फार्मर है दामजी भाई, इसने बनाया है, इसमें मुझे इसने 1940 से बंद रखा है। तो ये कह रहा है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है, ये अपने कह रहा है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये मेरे अकेले की कहानी नहीं है, बल्कि जो मेरा फार्मर है, जो मेरा किसान जो है, ये उसकी कहानी और उसकी फैमिली की कहानी भी है, उसकी स्टोरी भी है, उसकी फैमिली की स्टोरी भी है। और ये कह रहा है अगर मैं आज आपको ये अपनी अब ये अपने फार्मर की स्टोरी नहीं बताऊंगा तो मैं इसका लिए बहुत लेट हो जाएगा। ये कह रहा है कि गुजरात के अंदर एक गांव है विनगाम, क्या गांव, कौन सा नाम है गांव का, विनगाम गांव है। तो मैं वहीं पैदा हुआ, मैं वहीं दामजी भाई एक किसान है उसके हाँ पैदा हुआ। तो वो जो साल था, उस साल जो बाजरा की क्राप है, बाजरा की क्राप अच्छी हुई वहां पे गुजरात में दामजी गांव में। तो हमारा जो एरिया है वहाँ पे दामजी भाई का एरिया है, वो है फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। वहाँ पे ग्रेन अच्छे अनाज उगते हैं और अच्छी सब्जियाँ उगती हैं, उसके लिए फेमस मशहूर है। दिस वॉज आवर बाजरा फैमिली वेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हमारे ये जो बाजरा की फैमिली है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती जाती है। गुड्स, तो दामजी भाई क्या करता था, जब हमारी ये करता था, एग्रीकल्चर करता था, हमें बोता था, फसल हमारी उगाता था, जब वो काटता था, उसको साफ करता था, तो उसमें से जो अच्छे बाजरा होता था, वो बाजरे होते थे, वो अलग कर लेता था, वो क्या कर लेता था, अलग करके उनको स्टोर कर देता था। तो एक ऐसी जगह पे ज़मीन के अंदर स्टोर करके ऊपर से क्या करता था, मड से उसको क्या कर देता था, मड से उसको बंद कर देता था, मिट्टी से उसको बंद कर देता था। दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड ए स्ट्रांग बॉक्स। तो एक साल 1940 में उसने क्या किया, एक साल उसने क्या किया कि उसने एक वुडन बॉक्स बनाया, अच्छा सा स्ट्रांग मजबूत वुडन बॉक्स बनाया, और उसमें नीम के पत्ते डाले ताकि जो उसमें वो बीज डालेगा उसको इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े वगैरह नुकसान ना पहुंचा सके। और उसने क्या किया, उसने कंपार्टमेंट्स बनाए उस बॉक्स में, अलग अलग कंपार्टमेंट्स उसने बनाए हमें रखने के लिए, अलग अलग कंपार्टमेंट्स उसने बनाए। तो ये जो बक्स था, ये हमारा खूबसूरत सा घर था। तो ओके, कल हम यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे, तो इसमें आप जो हम मीनिंग कुछ लिखेंगे डिफरेंट ये डिफिकल्ट वर्ड्स के, जैसे सीड क्या है, सीड कहते हैं बीज को, फार्मर कहते हैं किसान को, जो बीज उगाता है, खेती बाड़ी जो करता है। बाजरा क्या हुआ, अनाज की एक किस्म, ए काइंड ऑफ क्रॉप, अनाज की एक किस्म। उसके बाद ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत को, ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत को। वुड कहते हैं लकड़ी को, वुड किसे कहते हैं, लकड़ी को। उसके बाद फैमिली कहते हैं कुंबे को, फैमिली कुंबा खानदान, घर के लोग, घर के अफराद। क्रॉप कहते हैं फसल को, फसल यानी जो हम फसलें बोते हैं, जैसे चावल हुआ, मेज हुई, मक्की हुई, गंदम हुई, उसको कहते हैं क्रॉप, डिफरेंट कहते हैं साफ क्रॉप। वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियों, वेजिटेबल कहते हैं सब्जी। फ्रूट्स कहते हैं फल मेवे। जनरेशन कहते हैं नस्ल। ग्राउंड कहते हैं जमीन को, ओके। तो ये हो गए जो डिफिकल्ट वर्ड से इस चैप्टर में, उसकी मीनिंग हो गई। तो नेक्स्ट इससे आगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक्स।